हाँ जी, HTTR YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भौगोलिक संकेतक जिसे GI टैग के रूप में जाना जाता है, राजस्थान में कितनी वस्तुओं को GI टैग मिला हुआ है, वस्तुओं के साथ साथ में कितनी वस्तु के लोगों को GI टैग मिला हुआ है। राजस्थान में टोटली GI टैग कुल मिला करके 16 उत्पाद को मिला हुआ है, जिसमें से 12 वस्तुएँ हैं और 4 वस्तुओं के साथ साथ में उन वस्तुओं के लोगों को भी GI टैग मिला हुआ है। अब जानते हैं 16 कौन से वस्तु जिन्हें GI टैग मिला हुआ। प्रथम, बगरू प्रिंट, यह हस्तशिल्प है जो जयपुर की फेमस है, इन्हें GI टैग मिला हुआ। दो नंबर पे बीकानेरी भुजिया है, ये खाद्य वस्तु है, मुख्यतः बीकानेर में पाई जाती है, ये GI टैग मिला हुआ है। तीन नंबर पे बलियू पोल्ट्री है, यह भी हस्तशिल्प है, जयपुर की है और इन्हें भी GI टैग मिला हुआ है। बलियू पोल्ट्री लोगो, बलियू पोल्ट्री वस्तु के साथ साथ इस बलियू पोल्ट्री के लोगों को भी GI टैग मिला हुआ है। तो बलियू पोल्ट्री जयपुर की फेमस है, तो बलियू पोल्ट्री लोगो भी जयपुर का फेमस है। पांच नंबर पे कठपुतली जो हस्तशिल्प है, पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है, इस कारण इन्हें पूरे राजस्थान के रूप में जानी जाती है। छह नंबर पे कठपुतली के साथ साथ में कठपुतली के लोगों को भी GI टैग मिला हुआ है और ये संपूर्ण राजस्थान में भी जानी जाती है। 7 नंबर पे कोटा डेरिया हस्तशिल्प है, इनको भी GI टैग मिला हुआ है और 8 नंबर पे कोटा डेरिया के लोगों को भी GI टैग मिला हुआ है। तो इस प्रकार हमने बुलियू पोल्ट्री, कठपुतली और कोटा डेरिया वस्तु के साथ साथ इन्हें लोगों भी मिला हुआ है। इसके अलावा एक और है, वो आगे बताऊंगा। मकराना के संगमरमर जो प्राकृतिक वस्तु है, मुख्यतः ये नागौर में पाई जाती है, इन्हें भी GI टैग मिला हुआ है। 10 नंबर पे मोलेला मिट्टी कार्य हस्तशिल्प है जो नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, इन्हें भी GI टैग मिला हुआ है। इस मोलेला राजसमंद के हस्तशिल्प के साथ साथ में इस वस्तु के लोगों को भी GI टैग मिला हुआ है, ये भी राजसमंद का प्रसिद्ध है। तो कुल मिलाकर के राजस्थान में 4 ऐसे वस्तुएं हैं जिन्हें वस्तु के साथ साथ में उनकी वस्तु के लोगों को भी GI टैग मिला हुआ है। प्रथम बुलियू पोल्ट्री है, दूसरी कठपुतली है, तीसरी कोटा डेरिया है, चौथी मोलेला मिट्टी कार्य के लोगों को भी GI टैग मिला हुआ है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 12 वस्तुओं को GI टैग मिला हुआ है और 4 ऐसी वस्तुएं हैं जिनके साथ साथ में लोगों को भी GI टैग मिला हुआ है। तो 4 के अभी अभी हमने नाम बता चुका हूँ। 12 नंबर पे फुलकारी है, ये हस्तशिल्प है जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों राज्यों में प्रसिद्ध है। 13 नंबर पे सांगानेरी प्रिंट है, यह भी हस्तशिल्प है, ये मुख्यतः जयपुर जिले में पाई जाती है, GI टैग इन्हें भी मिला हुआ है। फिर बात करते हैं 14 नंबर पे थेवा कला, यह हस्तशिल्प प्रतापगढ़ की फेमस है काफी। पोकरण पोटरी हस्तशिल्प पोकरण जैसलमेर में, इन्हें GI टैग मिला हुआ है। 16 नंबर पे सोजत मेदी जो पाली की फेमस है, इन्हें भी GI टैग मिला हुआ है। धन्यवाद।